नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर, जौनपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, युवक पर लगा हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। धर्म परिवर्तन कर शादी करने की आशंका, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बड़ी खबर, बक्सा थाना क्षेत्र के हसरौली गांव का मामला है, जहां पर एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जौनपुर में जहां लड़के ने अपना धर्म छुपाकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद लड़की को भगाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कर शादी करने की आशंका भी जताई गई है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो जौनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाया, धन परिवर्तन कर शादी करने की आशंका भी जताई जा रही है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जौनपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। लगातार लव जिहाद को लेकर योगी सरकार सख्त भी है, नए कानून लाने की बात की जा रही है। वहीं लव जिहाद के मामले पर लगातार कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। वहीं इस खबर पर संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जौनपुर से लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, किस तरह, क्या कुछ अभी तक अपडेट इस पूरी खबर पर मिल पा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर में लव जिहाद का मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद मीडिया में खबर करने के बाद आनंद साहब ने जौनपुर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल में जुट गई। सबसे बड़ी बात यह की जो दलित परिवार की लड़की थी, इसी 22 जून या कल शादी थी, लेकिन मुस्लिम लड़का इसको 3 दिन पहले बीते रविवार को अपने घर से भगा ले गया था। वही दलित लड़की की धर्म परिवर्तन कर शादी की जाने की चर्चाएं जोरों पर चल रही, लेकिन जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जो भी लव जिहाद के मामले आएंगे उन पर रासुका या कहें राष्ट्रपा के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जौनपुर में लव जिहाद का मामला आया है उसमें आनंद फानंद जौनपुर पुलिस तक दो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अब मामले की पूरी जांच कर रही है। बक्सर थाना क्षेत्र के हसौली गाँव का मामला है जी। इस पूरे मामले पर लड़के के का कोई पक्ष सामने आया है? लड़की की माँ का कहना है जिस तरीके से लड़की की माँ के कहना जिस तरीके से उसकी 22 जून को शादी थी, यानी कल उसकी शादी थी, उसके 3 दिन पहले ही उस गांव के एक मुस्लिम लड़के ने उस लड़की को लेकर घर से भाग कर जहाँ आनंद कहीं दूर जाकर शादी करने, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कहीं कहीं जाल में फंसा करो लड़का लेके भागा है, कहीं कहीं अब इस मामले को इस तरीके से खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान में आया है जौनपुर पुलिस। जहाँ त्रिभुवन में इतिहास से हमारी जब बात हुई उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वही दो के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, दो लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन जांच पड़ताल कर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लड़की की शादी 22 जून को थी यानी कल, तो कहीं ना कहीं 3 दिन को लेकर लड़का मुस्लिम लड़का लेकर भागा, तो कहीं कहीं पूरे मामले में उच्च अधिकारी के संज्ञान में तो कहीं कहीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जौनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है जिस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर जौनपुर से ही सामने आ रही है। बदमाशों ने चिकित्सक से मांगी रंगदारी, निजी चिकित्सक से 3 लाख की रंगदारी मांगी गई है, पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बदलापुर क्षेत्र के कस्बे का मामला, तो चिकित्सक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जौनपुर में बदमाशों ने चिकित्सक से पैसे मांगे, 3 लाख की रंगदारी की रकम मांगी गई है, पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई।
वहीं यूपी समेत अन्य राज्यों में धर्म परिवर्तन का मामला। जेल में बंद अमर और जहांगीर को आज रिमांड पर लेगी एटीएस। 7 दिन की रिमांड पर लेकर दोनों से होगी पूछताछ। पूछताछ में दोनों आरोपी कर सकते हैं बड़ा खुलासा। पूछताछ के बाद एनआईए को सौंपी जा सकती है जांच। धर्मांतरण का मामला यूपी समेत 6 राज्यों से जुड़ा। तो बड़ा सिंडिकेट के 2 आरोपी पकड़े गए थे हाल ही में, जिन्होंने धर्म परिवर्तन 1000 लोगों से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। इस मामले पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई थी, जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात की जा रही है, यानी कि और भी बड़ा सिंडिकेट इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका खुलासा करने की लिए इन्हें रिमांड पर रखा जाएगा 7 दिन के। बिल्कुल कृति, जिस तरीके से उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की एटीएस विंग ने की थी, उसमें ये चीजें सामने आई थी कि 1000 लोगों का धर्मांतरण उत्तर प्रदेश के अंदर कराया गया है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। कल कोर्ट ने दोनों की जो 7 दिन की रिमांड थी वो मंजूर कर दी थी, और आज सुबह तकरीबन, अब ये कहा जा सकता है कि आधे घंटे बाद उमर गौतम और जहांगीर आलम को एटीएस के अफसर लखनऊ जिला कारागार से लेने पहुंचेंगे, और वहां से 7 दिन की रिमांड आज से शुरू हो जाएगी। पूछताछ के बाद जहांगीर आलम और उमर गौतम अपने किस तरीके के बयानों में किन किन का नाम लेते हैं और धर्म परिवर्तन के बारे में क्या क्या बताते हैं, ISI और विदेशों से हो रही फंडिंग के बारे में कौन कौन सी जानकारी देते हैं, ये बहुत अहम पूछताछ होगी। 7 दिनों का वक्त एटीएस के अफसर, बड़े अफसर उनसे पूछताछ करेंगे, और गाजियाबाद और दिल्ली ले जाकर के भी उनसे पूछताछ होगी, ताकि उनके ठिकानों के बारे में, उनके लोगों के बारे में गहनता से पूछताछ कर उनका खुलासा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एटीएस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, ताकि जो सिंडिकेट इन दोनों आरोपियों के पीछे कहीं ना कहीं चल रहा है उसका पता लगाया जा सके। तो यूपी समेत अन्य राज्यों में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। वही अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी में बूथ समितियों की बैठक। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह लेंगे बैठक। बीएल संतोष सुषमा गौतम के घर पर अयोध्या में लेंगे बैठक। राधा मोहन सिंह अध्यक्ष सुनील तिवारी के घर पर भी बैठक लेंगे। तो लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है 2022 के चुनाव को लेकर। समीकरण किसी भी हाल में, बीएल संतोष का भी बयान भी आया था कि किसी हाल में भी हार यूपी में नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार ये बैठकें बुलाई जा रही हैं, जिसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां दुरुस्त हो। तो राजधानी में बूथ समितियों की बैठक होगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। प्रदेश में नए डीजीपी के लिए केंद्र में जल्द होगी बैठक। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की होगी बैठक। हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को हो रहे हैं रिटायर। सेवा विस्तार की खबरों पर पहले ही लगा चुके हैं विराम। डीजीपी कौन होंगे नए, इसको लेकर चर्चा होने लग गई है। प्रदेश में नए डीजीपी के लिए केंद्र में जल्द बैठक होगी। संघ लोक सेवा हितेश चंद्र अवस्थी 20 जून को रिटायर हो रहे हैं, और सेवा विस्तार की खबरों पर पहले ही पूर्ण विराम लग चुका है। तो शिवा हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ चुके हैं। शिवा, नए डीजीपी के लिए केंद्र में जल्द बैठक होने वाली है, क्या लगता है? बिल्कुल कीर्ति, लोक सेवा आयोग जो है वो इस पूरे प्रकरण पर नजर रखे हुए है, और जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई थी जो सीनियर अफसरों की, IPS अफसरों की, जिसमें उत्तर प्रदेश के DGP के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, और हितेश अवस्थी जो कि 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, और तब से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कुर्सी है पुलिस के मुखिया की, वो खाली हो सकती है। वरिष्ठता के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पहला और नाम नासिर कमाल का है, जो वरिष्ठ IPS अधिकारी है 1986 बैच के, और उसके बाद जो है मुकुल गोयल का नाम है। ये दोनों ही लोग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि जो नए नाम थे, जो जूनियरिटी के हिसाब से जो नाम भेजे गए थे, उसमें कई ऐसे जो नाम है जो मुख्यमंत्री के पसंदीदा नामों में से एक आते हैं, चाहे वो आनंद कुमार की बात कर ले जो डीजी जेल है इस वक्त, और डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री के पसंदीदा नामों में से आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जिसको फाइनल करेंगे और वही एक उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी का चेहरा है वो सामने होगा, लेकिन अभी के एक बैठक जल्दी होगी और जो वरिष्ठता के आधार पर जो केंद्र में सूची तैयार होगी वो उत्तर प्रदेश शासन को पहुंचेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री उस नामों पर मोहर लगाएंगे और आखिरकार 30 जून से के बाद 1 या 2 तारीख को ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी का ऐलान हो जाएगा। शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी को लेकर केंद्र में संघ की बैठक होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा। अभी आपको शिवा ने कई नाम ऐसे बताए जिनकी लिस्ट अभी हितेश चंद्रवस्ती के बाद डीजीपी की बनने के लाइन में है, तो ये देखना अहम होगा कि 30 जून को इनकी सेवा समाप्त हो रही है और सेवा विस्तार पर भी विराम लग चुका है, तो अगले डीजीपी कौन नियुक्त किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। ऐशबाग पानी टंकी के पास हुआ खूनी संघर्ष, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद, विवाद में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बाजार खाला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पानी की टंकी के पास, ऐशबाग पानी टंकी के पास खूनी संघर्ष हुआ है, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें विवाद इतना बढ़ गया कि 6 लोग इस विवाद में घायल हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही सामने आ रही है। स्कूलों में अगस्त से शुरू हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी, अभिभावकों से मांगी जा रही है सहमति, सहमति के बाद शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं और छात्रों की पढ़ाई होगी, तो अगस्त से स्कूल खुलने की यानी कि ऑफलाइन पढ़ाई बच्चों की होने के लिए बात चल रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी तक शुरू कर दी है, अभिभावकों से सहमति मांगी जा रही है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक मनी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ऑफलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है और जिस तरह से कोरोना की तीसरी वेव भी कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है, उसके बाद अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करना। बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सिलसिलेवार तरीके से कक्षा 1 से लेकर 9 तक का ऑनलाइन परीक्षा क्लासेस के लिए बोला गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसके लिए कोई आदेश नहीं जारी हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू की है और अभिभावकों से इसी कारण सहमति मांगी है और शासन को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो इसके बाद से कोई आदेश जारी होंगे। अभी हाल फिलहाल ऐसे कोई आदेश नहीं जारी। क्या लग रहा है कि क्या अभिभावक इस चीज के लिए तैयार होंगे जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन में भी दिक्कतें लोगों को भी आ रही थी? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी टीचिंग स्टाफ कॉलेज जाने में, और इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि ऑफलाइन पढ़ाई का मतलब है कोरोना के तीसरे वेव को लेकर बच्चों को ही ज्यादा संक्रमण का डर देखा जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये आदेश मुझे नहीं लगता है कि पारित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफलाइन पढ़ाई अगस्त से शुरू हो सकती है, इस पर मोहर लगती है क्या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि तीसरी वेव में बच्चों को खतरा भी बताया गया है और तीसरी वेव अक्टूबर के बीच में ही दस्तक देने की बात सामने आई थी। मैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर, पहली बार ग्राम प्रधानों को मिलेगा अपना पंचायत भवन, 51,914 में से 33,338 भवन, पंचायत भवन में एक बैठक हॉल का भी निर्माण, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास का निर्माण, बरामदा व शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। तो अब लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को अपना पंचायत भवन मिलेगा। तो बैठक हॉल का भी निर्माण होगा इस पंचायत भवन में, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास का निर्माण। इस खबर पर संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान,
अब ग्राम प्रधानों को अपना भवन देने की बात की जा रही है, क्या इसके लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं? क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी कीर्ति, बिल्कुल, जो 51,914 जो पंचायत भवन बने हुए हैं, ये ग्राम प्रधानों के लिए बने हुए हैं और इसकी तैयारियां लमसम पूरी हो चुकी हैं। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर पंचायत भवन बनके तैयार हो चुका है, लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि अगर पंचायत भवन तैयार हुए हैं और जो पहले से जो पूर्व में भी पंचायत भवन बने हुए हैं वो सिर्फ बने हुए हैं, ना है तो उसमें कोई प्रधान बैठते हैं ना तो ग्राम विकास अधिकारी बैठते हैं, पंचायत भवन में सिर्फ ताले ही लटकते रहते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कार्य किया है बेहद सराहनीय कार्य है, जो गाँव वालों की जो समस्याएं हैं और जो कहीं ना कहीं गाँव का विकास रुका हुआ है तो वो और गति पकड़ेगा, तब की जो ग्राम विकास अधिकारी है या ग्राम प्रधान है वो गांव में ही रहेंगे, गांव में ही कार्यालय रहेगा। लेकिन अगर तकरीबन इसकी रियलिटी की बात करें बिल्कुल रेहान, लेकिन जिस तरह से 33,000 से अधिक भवन बने हुए हैं उन पर आपने जिस तरह से अपडेट दी कि ताले जड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है, और वो सुनिश्चित कौन करेगा कि वहां पर ग्राम प्रधान बैठते हैं कि नहीं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि नहीं? देखिए कीर्ति, बिल्कुल जो जनता है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है और इसके बाद पूरी गांव की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, गांव का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो जो पंचायत भवन जो बनवाए गए हैं, इसका निर्माण भी हो गए हैं, कई कंप्लीट भी हो गए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तकरीबन ऐसे कई पंचायत भवन हैं जहां पर सिर्फ ताले जड़े हुए हैं। तो देखने वाली ये अहम भूमिका रहेगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने पंचायत भवन बनवाई तो इस पर क्या कार्यवाही करते हैं कि अगर पंचायत भवन बंद पाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्राम प्रधानों के भवन बनाने की बात की गई, हालांकि 51,000 से अधिक पंचायत भवन की बात की गई है जिसमें से 33,338 भवन तैयार हैं, लेकिन इन भवनों में ज्यादातर ताले जड़े रहते हैं, ग्राम प्रधान नदारद दिखाई देते हैं। तो ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इन भवन में क्या लोग वहां पर बैठते हैं, ग्राम प्रधान वहां पर मौजूद होते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। पंचायत भवन की बात हो रही है लेकिन पंचायत भवन में ताले ना जड़े, इसे भी सुनिश्चित करना जरूरी। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिला बदर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी राजकुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। एसपी वांछित अभियुक्तों के खिलाफ चला रहे हैं अभियान। तो वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है लगातार। वहीं गाजीपुर में भी एक जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस को इस अभियान के तहत सफलता हासिल हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता लक्ष्मण दास की फिसली जुबान, डीएम ऑफिस में किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, महिला अधिकारी के सामने गलत शब्दों का किया गया प्रयोग। उरई नगर पालिका से सभासद है लक्ष्मण दास, बिगड़ैल नेता का विवादित वीडियो हो रहा वायरल। तो लखनऊ से बड़ी खबर, पारा थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, कबूतरबाजी को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, नशे में धुत दबंगों ने दो युवकों को जमकर पीटा, मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। वहीं लखनऊ में खड़ी कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बना कारण, सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अब तस्वीरों में देख सकते हैं इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 का ये पूरा मामला है जहां खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगी, हालांकि वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से जारी सूची में भारी चूक, दिवंगत मुन्नेलाल कन्नौजिया को दी जिम्मेदारी, अनुसूचित जाति मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 22 अप्रैल को मुन्नेलाल कन्नौजिया का ही हो चुका है मौत, तो गड़बड़ी उजागर होने के बाद भगवती प्रसाद को दिया चार्ज, बड़ी गड़बड़ी बीजेपी की तरफ से। सूची जारी की गई है उसमें
पाई गई है, जिसमें दिवंगत नेता को इस सूची में शामिल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, क्षेत्रीय मोर्चा संभालने की भी इसमें जिम्मेदारी सौंप दी गई। वक्त की आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उतनी ही तेज गति से राजनीतिक खिलाड़ी दल बदल करने में लगे हुए हैं। ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के किए गए समाजवादी सरकार में विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही हिंदुवादी संगठन गोरक्षा क्रांति के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम पंडित, ब्राह्मण समाज के महानगर अध्यक्ष विनय पचौरी व तेज प्रकाश उपाध्याय ने अपने सैकड़ों युवा वर्ग के साथियों के साथ महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। सबसे पहले मैं अपने इन नौजवान साथियों को धन्यवाद और शुक्रिया दूंगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति और सिद्धांतों से प्रेरित होकर तमाम भाजपा को छोड़कर, जैसे हमारे छोटे भाई ओम पंडित जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष गौशाला भाजपा के पद पर थे, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उसी में हमारे उपाध्याय जी हैं, शर्मा जी हैं, कुशवा जी हैं, ठाकुर जी हैं, ये लोग आज भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं धन्यवाद दूंगा इन नौजवान साथियों को। जौनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मामला बक्शा थाना क्षेत्र हसरौली ग्राम का है। बताया जा रहा है कि हसरौली गांव का युवक एक दलित युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। बेटी की जब काफी खोजबीन की तो पता चला कि गांव के एक लड़के ने लड़की को गायब किया है, जिसका नाम सलाउद्दीन है। जब दलित बेटी के पिता ने सलाउद्दीन के पिता से उसके बारे में जानकारी चाही तो उसके पिता ने उसको धमकी दी कि अगर हमारे बेटे का नाम लोगे तो ठीक नहीं होगा। थक हार कर दलित लड़की के पिता ने बक्शा थाना पर अर्जी लगाई। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद जौनपुर के थाना बक्शा अंतर्गत ग्राम हसरौली की एक किशोरी दूसरे समुदाय के युवक के साथ प्रेम प्रसंग में चली गई है। इसकी जानकारी होते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। इनके बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था। खबर मैनपुरी से है, जहां किशनी थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गौवंश बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी युवक गौवंश को बोरे में भरकर बेचने जा रहे थे कि तभी ग्रामीणों ने घेराबंदी करके मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक आरोपी युवक मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला ये था, रात के 1:30 बजे थे, मतलब 4 बजे मेरी बकरी खोल रहे जी। मैं फिर ढूंढने के लिए निकले, ठीक, 6 लोग झाड़ियों से निकले बाइक लेके, तो इन्हीं का मैंने पीछे का आगे बुलेरो एक साइड से निकाली, बुलेरो में बकरी ला दी, फरार हो गए। उसके बाद बाइक का मैंने पीछा किया कैदपुर का, कैदपुर से ये गायब हो गए। फिर मतलब ये क्या मिला, फिर कैसे मिला? ये गोश बरामद हुआ गांव के सुराग से लगाया मैंने थोड़े बाद। ये मामला कुछ लोगों का कहना है कि ये गौवंश मीट है। जब मीट का इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें येलोइश फैट पाया गया, जो कि अक्सर गौवंश में पाया जाता है। इसीलिए ये मे भी ठीक है गौवंश का ही मीट हो सकता है, इसीलिए इसकी हम फॉरेंसिक लैब।
संभल में एक युवक ने ग्राम प्रधान पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया है। पूरा मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र रामगढ़ का है, जहां प्रधानी की रंजिश को मानते हुए ग्रामीण ने कुछ दबंग लोगों के कहने पर शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने लगा। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक झगड़े को तारू हो गया। वहीं जब मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को ही, तब ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और इस बीच बचाव में प्रधान को चोट लग गई और वो घायल हो गए। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने दो तमंचा, दो कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जयबीर सिंह का कहना है कि रात्रि चेकिंग के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल दोनों बदमाशों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। रात में पुलिस चेकिंग कर रही थी तो दो बदमाश अपाचे मोटरसाइकिल से पासू तिराए से आगे पासू रोड पर कोई वारदात के अंजाम में खड़े थे। जब उनको पुलिस ने घेर के तलाशी ली तो दोनों से एक एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए और एक अपाचे मोटरसाइकिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई वारदात करने की फिराक में वहाँ खड़े थे। अगर इनको टाइम से न पकड़ा जाता तो ये कोई नहीं। बस्ती में पुलिस की मनमानी से परेशान होकर एक बुजुर्ग ने सड़क जाम कर दिया। दरअसल बुजुर्ग का कहना है कि कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। वहीं जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने बुजुर्ग और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। वहीं जब बुजुर्ग परेशान होकर मामले की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया। यहां तक कि इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने भी इलाज करने से मना कर दिया। यानी सबसे आहत होकर बुजुर्ग ने कार्यप्रणाली के चलते तमाम चीजों को देखते हुए जिला अस्पताल चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सड़क पर लेटकर न्याय की मांग करता रहा। जमीन जो है वो पट्टीदार लोग लेना ले रहे हैं जबरदस्ती से, और इसी जमीन में खा के हम लोगों को मारते हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ, शिकायत बहुत टाइम हुआ, इसका मुकदमा नहीं चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।